हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं या फिर आप ऑनलाइन एडुकेटर हैं या फिर आप कोई ट्रेनर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई आपको ऐसे दो एप्लीकेशन के बारे में आज बताने जा रही हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आप जूम करके एक्सप्लेन कर पाएँ, अपनी स्क्रीन को जूम कर पाएँ और पर्टिकुलरली उस पोर्शन को फोकस करके, उसको हाईलाइट करके, अपनी स्क्रीन को एनोटेट करके, मीन्स आप वहाँ पर कुछ लिख कर अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएँ, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और स्टूडेंट्स भी उसको ईजिली समझ पाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दोनों एप्लीकेशन की तरफ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है मेरा ZoomIt ऐप। तो ZoomIt ऐप की हेल्प से हम क्या करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। मैं इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके बताती हूँ और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे। तो हम ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ZoomIt डाउनलोड। मैं इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है ZoomIt और आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड ZoomIt। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एप्लीकेशन से होगा क्या। आप अपने इस एप्लीकेशन की हेल्प से अपनी स्क्रीन को जूम कर पाएंगे और जूम करके किसी भी फंक्शन को आप क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ आप एनोटेट कर पाएँ स्क्रीन पे, आप कुछ लिख पाएँ स्क्रीन पे और किसी फंक्शन को आप हाईलाइट करके दिखा पाएँ, तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से वो कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन यहाँ पर नीचे डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसे क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ। अब हमें इसे अपने कंप्यूटर पर रन कराना है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे और इसको रन करा देंगे। जब इसे हम रन कराएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी ये वाली स्क्रीन। इस स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पर कुछ टैब्स हैं, जिस टैब्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि इन टैब्स का क्या फंक्शन है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ये फंक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स हैं जिसकी हेल्प से हमारा एप्लीकेशन वर्क करेगा। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आपका फंक्शन Ctrl+1, जिसका नाम है जूम फंक्शन। तो जूम से आप क्या कर पाएंगे, जैसे ही आप Ctrl+1 की प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है आपके सामने जो विजिबल है वो जूम हो जाएगी और जूम करा के आप अपने स्टूडेंट्स को वो ईजिली समझा पाएंगे जो भी टॉपिक, जो भी पोर्शन आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। आप ये कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया हो, चाहे आपने स्लाइड्स ओपन की हो, चाहे आपने कोई पर्टिकुलरली कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हो, तो आप वो सब जगह पर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट को यूज़ करेंगे हम ZoomIt में, और वो शॉर्टकट्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे शॉर्टकट्स लिखकर बता दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आपको वो सारे शॉर्टकट्स को बार बार मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार उनको यूज़ कर लेंगे तो आप हैंड्स इन हो जाएगा, आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा शॉर्टकट है Ctrl+1, उससे क्या होने वाला है देखते हैं। Ctrl+1 की प्रेस करेंगे तो देखिए जो भी मेरा पेज यहाँ पर अभी ओपन था डेस्कटॉप पर, वो अब मेरा जूम हो चुका है। अब मैं जूम करके इसको ईजिली अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को दिखा पाऊँगी, जिससे कि उनको भी क्लियरली ये विजिबल होगा। अब हमें यहाँ से बैक जाना है, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है एस्केप की। हम वापस आ गए अपने नॉर्मल मोड में। अब मैं आपको बताऊँगी दूसरा शॉर्टकट Ctrl+4। Ctrl+4 से भी आपका पेज जूम हो जाता है। इसमें हमें एक और फ़ायदा मिल जाता है कि आप अब किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक भी कर पाओगे। जूम पर जब हम क्लिक करें तो सिर्फ वो जूम हुआ था, हम किसी फंक्शन को, हम किसी भी आइकन को क्लिक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप Ctrl+4 यूज़ करते हो तो आपका जो पेज है वो जूम भी हो जाता है और हम उसके किसी भी आइकन को यहाँ पर क्लिक भी कर पाते हैं लाइक दिस। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब हम क्लिक कर रहे हैं और उनको सारे स्टूडेंट्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को ये सब दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि आप हाईलाइट करके अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिखाओ इस पेज पर जो आपने ओपन हुआ है, तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना होता है, Ctrl+2। तो पहले हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, Ctrl+4 प्रेस करके हमें वापस अपने नॉर्मल मोड में आना है। आप जूम मोड में भी अपना हाइलाइटर्स को, अपनी स्क्रीन को एनोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+2 शॉर्टकट। अभी मैं यहाँ पर आपको इसी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि आप कैसे एनोटेट कर पाएंगे। तो अभी मैं प्रेस करती हूँ Ctrl+2 की। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंटर आ गया है ब्लू कलर का, इसके साइज़ को आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे, आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए और अपने माउस में स्क्रॉल बटन को आप
करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, डाउन करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, अप करेंगे तो वो और साइज़ उसका आपके पॉइंटर का बड़ा हो जाएगा। अभी अभी इसे थोड़ा सा साइज़ को डिक्रीज़ कर लेते हैं। अब ये इस पॉइंटर की हेल्प से मैं किसी भी फंक्शन पर एनोटेट कर पाऊंगी और स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाऊंगी कुछ भी लाइक दिस। ये मेरी फ्री हैंड ड्राइंग अभी बन रही है, इसकी हेल्प से कंट्रोल प्लस टू मैंने प्रेस किया था और मुझे पॉइंटर मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप सर्कल ड्रॉ कर पाएँ, स्क्वायर ड्रॉ कर पाएँ या फिर आप कोई लाइन ड्रॉ कर पाएँ, तो उसके लिए आपको सिंपल से कुछ शॉर्टकट हैं। लाइक अगर आपको स्क्वायर सर्कल ड्रॉ करना है तो टैब की के साथ को टैब की को प्रेस रखिए और पॉइंटर को मूव करिए तो सर्कल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना, स्क्वायर ड्रॉ करना, तो कंट्रोल की को प्रेस करिए और पॉइंटर को मूव करिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो जाए कोई एरो, आप पॉइंट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को, तो आपको एरो की ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, और अगर मुझे न्यू फोल्डर को पॉइंट करके दिखाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है लाइक दिस, ये पॉइंटर आपका बन जाएगा, एरो बन जाएगा। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करेंगे और आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये जो मेरा सब कुछ मैंने यहाँ पर एनोटेट किया है, ये सिर्फ एक ही कलर से एनोटेट हो पाया है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करना, तो हमारे पास यहाँ पर Zomit में 6 कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लू, और आपको रेड चाहिए तो आर प्रेस कर दीजिए रेड हो जाएगा, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज हो जाएगा, पिंक चाहिए तो पी प्रेस करिए पिंक हो जाएगा, येल्लो चाहिए तो वाई प्रेस करिए येल्लो हो जाएगा, और आपका एक और कलर बचता है ग्रीन, जी प्रेस करिए तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये 6 कलर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब बात आती है कि ये तो हमने फ्री हैंड ड्राइंग की है, हमने कुछ लिखा है, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके एक्सप्लेन कर पाऊँ, मीन्स आप टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से कुछ भी, तो उसके लिए आपको टी प्रेस करना है, टाइपिंग के लिए टी प्रेस करेंगे तो ये हमारा कर्सर आ गया है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी वेलकम लाइक दिस। अगर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस होगा, कंट्रोल और स्क्रॉल अप एंड डाउन, डाउन छोटा हो जाएगा साइज और स्क्रॉल अप इंक्रीज हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज। तो ये तो था मेरा Zomit फंक्शन जिसकी हेल्प से आप अपनी स्क्रीन को जूम करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस फोर, इसको पहले मैं एस्केप कर देती हूँ, एस्केप, कंट्रोल प्लस फोर, फिर से ये जूम हो गया, और कंट्रोल प्लस फोर, फिर से ये जूम आउट हो गया, कंट्रोल प्लस वन, जूम हुआ है लेकिन यहाँ पर किसी फंक्शन को आप क्लिक नहीं कर पाएंगे, और एस्केप की प्रेस कर दें। तो ये तो थे हमारे कुछ Zomit के फंक्शन जिसको आप यूज़ करें अपने ऑनलाइन टीचिंग में, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक और एप्लीकेशन आपके सामने डिस्कस करूँगी जिसका नाम है ओपन बोर्ड। वो भी एक बहुत इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन है, स्पेशली उस केस में जब हमें अपनी स्क्रीन पे एनोटेट करके पढ़ाना है। यहाँ पर भी हमने एनोटेट करके एप्लीकेशन को पढ़ाया, लेकिन वहाँ पर हमें हमारे पास एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हमें मिल जाएगा जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी क्लासेस में यूज़ करते हैं अपना बोर्ड, वाइट बोर्ड या फिर अपना ब्लैक बोर्ड पढ़ाने के लिए, कुछ लिखने के लिए, आप यहाँ पर उस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और उसमें एक और आपका फ़ायदा होगा, आप उस बोर्ड को सेव भी कर सकते हो, जो भी आपने वहाँ पर काम कराया है उस बोर्ड पर। आप अपने स्कूल में जो बोर्ड पर काम कराते हो वो आप रब कर देते हो, वो कहीं स्टोर नहीं हो पाता, लेकिन आप इस बोर्ड पर कुछ भी काम कराएंगे तो वो आपका स्टोर हो जाएगा आगे के लिए। अगर आपको शेयर कराना है किसी को तो वो आप करा पाओगे। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड आप टाइप करेंगे और डाउनलोड टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगा आपको उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड ऑन बोर्ड फॉर विंडोज़, आप इसे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पर नीचे। ये ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है अपने लैपटॉप में, तो मैं अभी इसको यहाँ पर कैंसिल कर दूंगी। लेकिन जब आपका ये फुल डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको इसे क्या कर लेना है, ओपन करके इसको रन करा लेना है। जैसे ही आप इसको रन करा लेंगे तो आपका ये आपका जो एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसको क्लोज करके दिखाती हूँ कि जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको इसका एक आइकन मिलेगा ओपन बोर्ड। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करके आपको इसका यूज़ करना सिखाती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक बोर्ड आ जाएगा,
इस बोर्ड के बैकग्राउंड को हम चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ बैकग्राउंड पर जाइए, आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए, आपको रूलर्स ग्रिड वाला बैकग्राउंड चाहिए, आपको रूलर वाला चाहिए, आपको ब्लैक प्लेन चाहिए या फिर ब्लैक ग्रिड चाहिए या फिर ब्लैक रूलर चाहिए। तो आई सजेस्ट जो मैथ्स के टीचर हैं, स्पेशली जब छोटी क्लासेस में आप पढ़ा रहे हो तो आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों को ब्लॉक्स में लिखना सिखाना होता है, उन्हें ये बताना होता है कि आपको इस ब्लॉक को लीव करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। अगर आप इनको ग्रिड साइज़ को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कराना चाहते हो तो ये हमारे पास स्लाइडर है, जितना भी आप साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर देती हूँ, तो ये ग्रिड साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर रूलर चूज़ कर लेती हूँ, सिंपल आपका ये इंग्लिश और हिंदी के लिए आपका ये यूज़ हो जाएगा। आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हम एनोटेट करके कैसे पढ़ाएंगे। ये आपके पास टूल बार है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर टाइप करके, ये मार्कर है, ये पेन है, आप इनके साइज़ को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करें, कलर चेंज करने के लिए यहाँ से यूज़ करिए। आपके पास इरेज़र है, इरेज़र के साइज़ को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा वाला साइज़ ये है, आप इरेज़ कर पाएंगे इजीली, आप साइज़ इंक्रीज साइज़ को लेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपने पेज को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मैग्नीफायर्स, जूम आउट फॉर माइनस एंड जूम इन फॉर दिस वन। चलिए तो अब मैं इसको क्लिक करती हूँ जूम आउट, मैं वापस से छोटा कर लेती हूँ पेज को थोड़ा सा। चलिए अब आपके पास यहाँ पर, अब आप टाइप करना चाहते हो कुछ, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर टाइप करके बताऊँ, मैं कुछ एनोटेट नहीं करूँ, तो आपको यहाँ ए ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको ए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो आपको ये बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के साइज़ को आप इंक्रीज़ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, लाइक आप इस कॉर्नर पर आइए, कॉर्नर पर आने के बाद आपका एरो का साइज़, एरो जो है वो चेंज हो जाएगा, डबल हेडेड एरो में आप क्लिक करिए और ड्रैग कर लीजिए। आप इस बॉक्स को साइज़ को कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको पेज पर सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर टाइप करना शुरू करिए, मैं अब यहाँ पर टाइप करना, आप अपने कर्सर को इस लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो रूलर्स आपने यहाँ पर बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी वेलकम लाइक दिस, वेलकम, एंटर कर लेंगे, आप एंटर करते रहिए और ये आपका इस तरीके से आप कर पाएंगे काम आप। चलिए तो ये तो था, अब मैं इसको अगर हटा भी दूँ तो आपका ये जो है, आपने जो भी लिखा है, अगर मैं कहीं और क्लिक करूँ तो आपका वो बॉक्स गायब नहीं हुआ है और आपने जो उस बॉक्स के अंदर लिखा था वो सब वहाँ पर आपको विजिबल रहेगा। अब आपके पास, आपने इस पेज पर जो भी आपने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया वो सब आपका पेज आपने पूरा फिल कर दिया, कहीं पे कोई स्पेस नहीं बचा, तो आपको इसको रब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पेज को इंक्रीज़ करने के लिए, मींस आप और ज़्यादा पेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पेजेस को ऐड करने के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करिए तो आप सेकेंड पेज पर आ गए। अब आप यहाँ पर काम कर लीजिए, आपको जो भी काम करना है आप यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए। आपका ये पेज भी फिल हो गया है तो आप एक और पेज ऐड कर लीजिए, आप यहाँ पर काम कर लीजिए। तो लाइक दिस वी कैन ऐड सो मेनी पेजेस एंड वी कैन यूज़ ऑल द पेजेस फॉर आवर टीचिंग पर्पस। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो भी हमने यहाँ पर काम किया है, जो भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया है लिख कर टाइप करके, वो सब आप चाहते हो कि स्टोर हो जाए, सेव हो जाए, और वो सेव भी कौन से फॉर्मेट में आप चाहते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है पीडीएफ फॉर्मेट अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली जब आप अपने स्टूडेंट्स को फाइल शेयर कराते हैं उनके ग्रुप्स पर। तो ये आप डायरेक्टली, आपने जो भी काम यहाँ पर आज कराया है, आप उस फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने स्टूडेंट्स को शेयर करा दीजिए। फिर आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को शेयर कराने के लिए। जो काम आपने क्लास में कराया है उसी काम को अपने स्टूडेंट्स को शेयर करा दीजिए। तो और अगर कोई बच्चा उस दिन एबसेंट होता है और वो आपसे बोलता है कि मैम हमने उस दिन क्या पढ़ाया था, आपने क्या किया था क्लास में, तो आप वो एज इट इज़ पीडीएफ फॉर्मेट आप उनको शेयर कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि यस हमने ये काम उस दिन किया था। तो अब इसको हम सेव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पर, यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स विजिबल होंगे जो भी आपने क्रिएट किए हैं आज तक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। जिस डॉक्यूमेंट को अभी आपने रिसेंटली ओपन किया हुआ है उसके सामने ये ग्रीन कलर का एरो होगा, मींस अभी हम इस डॉक्यूमेंट पर हैं,
इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको अब सेव करना है अपने कंप्यूटर में, तो आपको करना होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आपको करना होगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, और इस फाइल को आपको कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, न्यू फाइल, और इसे आप जहाँ भी सेव करना चाहें, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ और इसको हम कर देंगे सेव। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी फाइल जहाँ पर सेव हुई है, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ शो डेस्कटॉप पर। आपको डेस्कटॉप देखना है अपना, तो आप जाएंगे शो डेस्कटॉप पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने फाइल क्रिएट की थी, जो एक्सपोर्ट की थी, ये आपकी वो फाइल है, न्यू फाइल। मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाती हूँ आपको, ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब वापस से आपको अपने सेम बोर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि अभी हमने ओपन बोर्ड को एग्जिट नहीं किया है, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर आपको ये टूल बार विजिबल होगा। ये एनोटेशन का टूल बार है। अब आप इस एनोटेशन के टूल बार को इस स्क्रीन पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप कोई एप्लीकेशन अपने बच्चों को एक्सप्लेन कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक्सेल अपने बच्चों को एक्सप्लेन कराना चाहती हूँ, तो आपने एक्सेल को ओपन कर लिया ब्लैंक। अब आप यहाँ पर हर फंक्शन को हाईलाइट करके अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कराना चाहते हैं कि दीज आर द सेल्स ऑप्शन, यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम इंसर्ट करेंगे सेल को, तो ये आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक हाईलाइटर चूज़ कर लूँगी और अभी मैं इसको हाईलाइट करके अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। मैं यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाना चाहूँ वो दिखा दूँगी। मैं यहाँ पर टाइपिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर पाऊँगी। सब कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए यूज़ कर पाऊँगी बहुत ईजीली। ये देखिए, आप यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट करके दिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन में आप इस ऑन बोर्ड के एनोटेट फीचर को यूज़ कर पाओगे। अगर आपको वापस अपने ओपन बोर्ड में जाना है, तो आप यहाँ से जाइए, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करिए, आप वापस से ओपन बोर्ड पर आ चुके हैं। अब आपको इसको एग्जिट करना है अपने एप्लीकेशन को, आपका काम ओवर हो चुका है, तो आपको ओपन बोर्ड के इस एरो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से इसको क्विट कर देना है। अब वापस से हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल मोड पे, हमारा ओपन बोर्ड एप्लीकेशन एग्जिट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, और दोनों एप्लीकेशन का अपना अलग वर्क है। जूमेट में आप अपने फीचर्स को जूम करके, अपने किसी भी स्क्रीन के किसी भी पोर्शन को जूम करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। ओपन बोर्ड आपका अलग काम करता है, उसमें आप अपना एज आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे, आप वहाँ पर कुछ भी टाइप करके, कुछ भी फ्री हैंड लिखकर आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों फीचर पसंद आए होंगे, दोनों एप्लीकेशन आपको ये पसंद आए होंगे, और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इसको ज़रूर यूज़ करिए। अगर आप कोई भी ट्रेनर हैं, तो भी आप इन दोनों एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है इसको डाउनलोड करने में, इनको यूज़ करने में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो, आपको मेरे ये दोनों एप्लीकेशन कैसे लगे। और आई होप कि आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं, तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।